अभी हम लोग केसरनाथ पहुंचे हैं केसरिया में, और केसरनाथ का जो है प्रभाव जो होता है, इस चंपारण का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां केसरनाथ बाबा का प्रभाव ना हो। इन्हीं के आशीर्वाद से सभी लोगों को सुख मिलती है, समृद्धि मिलती है, शांति मिलती है। तो उसी सुख समृद्धि और शांति के लिए, जिलेवासियों के लिए और यहां के लोगों के लिए, देश की मजबूती के लिए, देश के हित के लिए, आज हम लोग केसरनाथ धाम पहुँचे हैं और यहाँ जलाभिषेक किए हैं। और केसरनाथ पर कमल का फूल चढ़ा करके हमारे गुरुजनों ने कहा है, कुछ पूजनीय ब्राह्मणों ने कहा है, ज्योतिषाचार्यों ने कहा है कि कमल का फूल चढ़ाने से और जलाभिषेक करने से महादेव पे महादेव खुश होते हैं और उस पूरे क्षेत्र प्रदेश का जो है सुख समृद्धि और में सब में वृद्धि होने लगती है। इन सारे चीज़ों को लेकर के आज केसरनाथ के दरबार में हम सब लोग पहुँचे हैं और हम लोगों ने हाजिरी लगाया है, उनसे गुहार लगाया है, प्रार्थना किया है, विनती किया है कि हमारे जिले के जितने भी जाति धर्म के जो भी लोग हैं सबको सुखी रखे, समृद्ध रखे, और जो लोग गलत हैं उनको कभी भी आगे न बढ़ने दे, उनके मनोबल को कभी पूरा होने न दे। और क्योंकि जिले के जो लोग हैं वो हमेशा बाबा के प्रति समर्पित रहते हैं और जो बाबा का जो आशीर्वाद जिन पे रहता है निश्चित रूप से उनके सुख समृद्धि और हमेशा घर में शांति रहती है। तो बाबा का हम लोग इस साइड में जो देख रहे हैं बाबा का लाइव, हम लोग दर्शन भी आप लोग करा रहे हैं, बाबा का दर्शन आप लोग कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है बाबा आपको खुश रखे, केसरनाथ आपको खुश रखे, सबको खुश रखे। बहुत सारे लोग राजनीति कर रहे हैं, तो जो राजनीति कर रहे हैं उन्हें राजनीति मुबारक, बधाई हो राजनीति आपको। आप अपनी अस्मिता को बर्बाद करिए, अपने सम्मान को बर्बाद करिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है जिस मैं कुल खानदान से हूँ, उस ब्राह्मण कुल खानदान में हमें वह संस्कार नहीं दिया गया है कि केवल अपना विकास करो, केवल अपने बारे में सोचो। हम जिस सनातन से आते हैं उस सनातन में यह कभी नहीं कहा जाता है कि मेरे मामा का कल्याण हो, मेरे फूफा का कल्याण हो, मेरे मौसी का कल्याण हो, मेरे भाई का कल्याण हो, मेरे बहन का कल्याण हो, मेरे बहनोई का कल्याण हो। इस सनातन धर्म में पर्सनल कल्याण नहीं होता है। सनातन धर्म में जोर से चिल्ला के माइक में कहा जाता है विश्व का कल्याण हो। ये सनातन धर्म वैसा धर्म है जिसमें विश्व के कल्याण की बात की जाती है, मामा फूफा मौसा नाना चाचा चाची भाई बहनोई का कल्याण का बात नहीं होता है। तो जिस धर्म में, जिस व्यवस्था में पूरे विश्व का कल्याण की बात की जाती है, हम तो उसको मानने वाले हैं, हम उसको जानने वाले हैं, हम उसका सम्मान करने वाले हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं। जो राजनीति कर रहे हैं उन्हें राजनीति की बधाई, लेकिन हम राष्ट्र सेवा करते हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और देश हित में हमारे समाज के ही हमारे कुछ गार्जियन लोगों ने कहा कि देश हित में सोचा जाना चाहिए, देश हित की बातें होनी चाहिए। तो उन्हीं लोगों का बात मान करके अब मैं भी देश हित की बात कर रहा हूँ, तो गुनाह क्या है? और जब देश हित की बात कर रहा हूँ तो भोलेनाथ केसरनाथ केसर बाबा का आशीर्वाद जब हम लोग पर है, तो कैसे देश हित नहीं होगा, कैसे क्षेत्र हित नहीं होगा, कैसे जिला हित नहीं होगा, और कैसे हर परिवार गरीब का हित नहीं होगा। अब सब परिवार का हित होगा क्योंकि केसर बाबा का आशीर्वाद हम सभी लोग के साथ है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोले शंकर सबका कल्याण करे, जिसका मन में गलत सलत है उसका भी कल्याण करे, और जो मन में अच्छा कष्ट रखा हुआ उसका भी कल्याण। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।